अगर आप मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी संवर्ग के कर्मचारी या अधिकारी हैं और 7वां वेतनमान ले रहे हैं और इसके पश्चात आपको पदोन्नति, क्रमोन्नति अथवा समयमान का लाभ मिलता है, तो आपके वेतनमान का निर्धारण किस तरह से होगा और आप अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र ऑनलाइन किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौरसिया और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए कई लोगों ने कमेंट्स किए थे, तब जाकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप 2 मिनट में अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र खुद ही डाउनलोड कर लेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान मिल रहा है, जबकि अध्यापक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 1 जुलाई 2018 से 7वां वेतनमान दिया गया है। इन सभी संवर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों को जिनको 7वां वेतनमान मिल रहा है, उनको पदोन्नति, क्रमोन्नति अथवा समयमान पर वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार उनके वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। 7वें वेतनमान में पदोन्नति, क्रमोन्नति अथवा समयमान का निर्धारण करना हमने इस वीडियो में नहीं बताया है, बल्कि हमने आपको यहाँ पर एक टूल्स उपलब्ध कराया है, जिस टूल का उपयोग करके आप अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र खुद ही डाउनलोड कर सकेंगे। 7वें वेतनमान का निर्धारण किस तरह से होना है, इसके लिए हमने पहले से ही आपके लिए एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके अथवा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों को 7वां वेतनमान में पदोन्नति, क्रमोन्नति अथवा समयमान वेतन का निर्धारण करने के लिए हमने एक टूल बनाया है। उस टूल के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और इस टूल का उपयोग करके आप किस तरह से अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं, यह हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। जब आप इस पेज पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपके लिए वेतनमान का निर्धारण किस तरह से करना है, इसके बारे में पूरे नियम दिए हुए हैं। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इस टूल का उपयोग करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह टूल मध्य प्रदेश के सभी संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि 7वां वेतनमान मिलने के पश्चात आपको पदोन्नति, क्रमोन्नति अथवा समयमान का लाभ मिला हो। तीसरी बात यह है कि पदोन्नति, क्रमोन्नति अथवा समयमान में आपका लेवल चेंज हुआ हो, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में आप गए होंगे, तब ही यह टूल आपके लिए उपयोगी होगा, तभी यह टूल आपके लिए काम करेगा। टूल का उपयोग करने के लिए आपको इस पेज पर सारे दिशा निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। हम यहाँ पर आपको इस टूल का उपयोग करना बताते हैं। चलिए इस टूल में दी गई जानकारी को फिल करके हम अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र डाउनलोड करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शासकीय सेवक का नाम पूछा जा रहा है, जिसको सिर्फ अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। इसके पश्चात यहाँ पर पूछा गया है पदनाम, तो पदनाम भी आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपना पद का नाम लिख देता हूँ। इसके पश्चात यहाँ पर पूछा गया है वर्तमान लेवल का चयन कीजिए। अब वर्तमान लेवल यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 17 तक लेवल दिए हुए हैं।
अगर आपको नहीं मालूम कि आपका लेबल कौन सा है तो इसी पेज पर थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे आप, तो यहाँ पर लेबल दिए हुए हैं। ये जो दिए हुए हैं 1 से लेकर 17 तक लेबल हैं, इनमें आपको देखना है कि आप इस समय किस लेबल पर हैं। और अगर आपको नहीं मालूम आपका लेबल क्या है तो आपको 6वें वेतनमान में ग्रेड पे मालूम होगा, उस ग्रेड पे से भी आप अपना लेबल पता कर सकते हैं। 6वें वेतनमान का ग्रेड पे ऊपर की लाइन में दिया हुआ है, वही यहाँ पर 7वें वेतनमान में लेबल के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर लेबल का चयन करते हैं, मेरा लेबल 8 है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब लेबल का चयन करने के पश्चात हमें अपना मूल वेतन लिख देना है। 8वें लेवल में आपको इस समय कौन सा मूल वेतन मिल रहा है वह यहाँ पर आपको लिखना है। तो मुझे वर्तमान में 45,300 मूल वेतन मिल रहा है, वह मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब इसके पश्चात आपको पदोन्नति समयमान अथवा वित्तीय उन्नयन की तिथि लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपनी तारीख सेलेक्ट करूँगा, किस तारीख को मुझे वेतनमान लाभ मिला है। तो 12 फरवरी 2020 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके पश्चात आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर के पश्चात आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर सही लिखना है, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपका वेतन निर्धारण प्रपत्र पहुँचेगा जो कि पीडीएफ फॉर्म में होगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ। और इसके पश्चात जो लास्ट कॉलम आ रहा है, इसमें पदोन्नति समयमान अथवा वित्तीय उन्नयन के पश्चात आपको किस लेवल में पदोन्नति दी गई है या क्रमोन्नति दी गई है, तो मुझे 8 लेवल से 9 में दी गई है। वर्तमान में 8 लेवल पर हूँ और 9 लेवल पर मुझे वेतन का लाभ दिया गया है, तो ये 9 लेवल आ गया। इसके पश्चात मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर एक मैसेज मेरे स्क्रीन पर आ गया है, ईमेल आईडी पर आपका वेतन निर्धारण प्रपत्र भेज दिया गया है। अब मैं अपने ईमेल को चेक करूंगा और वहां पर देखूंगा वेतन निर्धारण प्रपत्र आया है अथवा नहीं। ये देखिए हमारा जीमेल अकाउंट लोड हो चुका है और यहां पर देखिए आप वेतन निर्धारण प्रपत्र आ चुका है। हम यहां पर इसको ओपन करके देखेंगे, ये हमने क्लिक कर दिया है, अब ये लोड हो रहा है। संभवतः नेट स्लो है, इस कारण से थोड़ा सा समय लग रहा है। ये हमारा मेल ओपन हो चुका है और अब जो अटैचमेंट यहाँ पर पीडीएफ में आया है, हम इसको डाउनलोड करेंगे या क्लिक करके देखेंगे। ओपन कर लेते हैं और ये देखिए जो जानकारी मैंने यहाँ पर फिल की थी वो सब यहाँ पर हैं। मेरा नाम आ गया है, पद का नाम, वर्तमान लेवल मैंने 8 सेलेक्ट किया था वह आ गया है, वर्तमान मूल वेतन 45,300 रुपये मैंने भरा था, पदोन्नति समयमान की तिथि 12 फरवरी 2020, पदोन्नति समयमान के पश्चात लेवल 9 और पदोन्नति पश्चात उसी टेबल पर एक वेतन वृद्धि लगी है 46,700 रुपया, और पदोन्नति के पश्चात जो हमारा मूल वेतन 47,300 रुपये फिक्स हुआ है और इसके पश्चात अगली वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2021 को रहेगी, उस समय 48,700 रुपया हमें मिलेगा। दोस्तों आप भी अगर अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र इसी तरह से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्मेट को भरिए, और चाहे तो आप मोबाइल से अथवा कंप्यूटर से या लैपटॉप से जैसे चाहे वैसे आप इसको कर सकते हैं, अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र डाउनलोड कर सकें। वीडियो देखने के लिए